मतदान तो हो गया लेकिन मतदान के बाद ईवीएम को लेकर अब संग्राम शुरू हो गया है। चुनाव खत्म होने के 48 घंटे के बाद बड़ी संख्या में सागर पहुंची ईवीएम मशीनों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल सागर जिले में ईवीएम मशीनों को बिना नंबर वाली स्कूल बस और दो गाड़ियों से राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के होटल दीपाली में लाकर रख दिया गया था और उसके बाद गुपचुप तरीके से स्ट्रांग रूम में जमा कराया जा रहा था। और जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर के कार्यालय की घेराबंदी कर ली। सागर के खुरई से ही गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अरुणोदय चौबे मैदान में है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और जो निर्वाचन अधिकारी है उनका दफ्तर जो था उसको घेर लिया था। अब चुनाव कांग्रेस चुनाव में की जा रही गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर विरोध कर रही है और इस घटना की जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि इन मशीनों की जांच उनके सामने कराई जाए और गिनती खत्म होने तक इन मशीनों को अलग सुरक्षित जगहों पर रखा जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि यहां पहुंची ईवीएम मशीनें जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी की थी। कुछ शंका पैदा करता है इस तरह की जो गतिविधियां जो चल रही हैं, इसमें हमें शंका है कि कुछ ना कोई दाल में काला है, इसलिए हम लोग भाग के यहाँ पर आए और बात करी यहाँ पर कलेक्टर से। अभी जाके ईवीएम मशीनें भी हम लोग चेक करेंगे क्योंकि बाकी जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं भाई उनकी भी आज आनी थी, जो रिजर्व की मशीन है उनकी भी आज आनी थी। कलेक्टर साहब से क्या क्या मांग रखी है आपने? कलेक्टर साहब से ये रखी है कि कलेक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें गलती हो गई है, तो उनसे एक पहली मांग तो ये रखी है कि जिससे गलती हुई है उसे आप कार्रवाई करें उसके खिलाफ। हुआ क्यों सर, 24 घंटे बाद मशीनें आ रही हैं, आपत्ति तो होती है? हाँ आपत्ति है, इसीलिए तो तहसीलदार को नोटिस जारी किया जा रहा है, उसे जवाब देके और उसको कार्रवाई करें। क्या आपको क्या आपने इनिशियली क्या पता चला कि लेट क्यों हुई है जमा करने में, क्योंकि निर्देश रहते मतदान के बाद मशीनें 3 जगह थानों में रखी थी, उसके अलावा सीधे मजिस्ट्रेट को दी गई थी, जिससे कहीं भी अगर मशीन खराब होती है तो उसको तत्काल बदला जा सके। और इस बदलने की प्रक्रिया में ही ये व्यवस्था बनाई गई थी कि जल्दी से जल्दी मशीनों में अगर कहीं गड़बड़ी आती है तो उसको रिप्लेस किया जाए। आपको जानकारी थी कि इतनी मशीनें वहाँ रह गई हैं? अभी ये जानकारी उन्होंने नहीं दी थी, आज वो जानकारी मिली। दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी? मैं लगती है इसमें आयोग को हम रिपोर्ट भेज देंगे।